एसपी विजेंद्र दत्त डोभाल ने की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। सावन के महीने में बारिश के बीच कांवड़ मेले को सुरक्षित और अव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने में पुलिस अपनी अहम भूमिका निभा रही है। ऐसे में पुलिस कर्मियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल पुलिस के आला अधिकारी रख रहे हैं। इस संबंध में आज मुनि की रेती थाने में जनपद टिहरी के एसपी विजेंद्र दत्त डोभाल ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ड्यूटी के दौरान किस प्रकार की परेशानी का सामना पुलिस कर्मियों को करना पड़ रहा है, इसके बारे में पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली। सभी पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ मेले में तन मन से ड्यूटी करने का भरोसा एसपी को दिलाया। बताया कि सभी पुलिस कर्मियों के हितों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। नवभारत समाचार जनपद टिहरी से आरती वर्मा। अधिकारी और सेक्टर पुलिस अधिकारियों की मीटिंग मेरे द्वारा बुलवाई गई थी और इस दौरान जब से कांवड़ शुरू हुआ है क्या क्या समस्याएं हमारे बीच में आ रही हैं और कैसे हम उसका समाधान करें, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ये मीटिंग आयोजित की थी और सभी सेक्टर प्रभारियों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया और साथ ही उनका निदान किस प्रकार से हो इस संबंध में चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में जबकि कांवड़ और बढ़ेगा और पैदल यात्रियों और कांवड़ियों की भीड़ बढ़ेगी तो उसके मद्देनजर उन चुनौतियों से कैसे हम लोग निपटेंगे, कैसे हम बहुत बढ़िया तरीके से कांवड़ियों की सेवा कर पाएं जिससे वो नीलकंठ जा पाएं और जो यहाँ आए हैं उन्हें सुगमता पूर्वक यहाँ से हम लोग आगे भेज पाएं, इस संबंध में चर्चा की गई। सर जैसे कि भीड़ बढ़ेगी और बढ़ रहा है एक तो हम लोग कुछ साइन बोर्ड हैं नए वो लगवा रहे हैं इसमें, इसके अलावा हमारी जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई हैं और लगातार एसडीआरएफ की और जल पुलिस की टीमें जो लगी हुई हैं वो लगातार घाटों में सीटियां बजा के लोगों को चेतावनियां भी दे रहे हैं और लगातार उनसे वार्तालाप भी कर रहे हैं कि गहरे पानी में ना जाएं और पानी का जल स्तर जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसे प्रयास कर रहे हैं कि वो किनारे में ही अपना जो स्नान वगैरह है उससे निवृत्त हों और ज्यादा गहरे पानी में ना जाए। सर देखा जा रहा है कि अभी वीडियो कुछ सामने आ रही है कि आपसी टकराव की स्थिति भी सामने आ रही है, इसको लेकर क्या विशेष निगरानी टीम देखिए हमारी मोबाइल टीमें भी लगी हैं और प्रयास हमारा ये रहता है कि जो विवाद की स्थिति है और जो टकराव की स्थिति है उसको टाला जाए। तो ये जो मौके पे जो पुलिस अधिकारी हैं इनको हमने अच्छे प्रकार से ब्रीफ कर दिया है कि किस प्रकार इसको डील करना है। सर मुख्य रूप से जो समस्याएं सामने आई हैं किस प्रकार की हैं, कैसे उनको हम करेंगे? इस समय तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं सामने आई हैं और कुछ कांवड़ियों से रिलेटेड भी समस्याएं सामने आई हैं, तो कोई विशेष ऐसी बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, इनका समाधान हम अपने स्तर से प्रयास करके कर लेंगे। हम लोग इस संबंध में हमारी LIU टीमें लगी हुई हैं और हम लोग लगातार इसमें कड़ी निगरानी रख रहे हैं और जैसे भी हमारी जानकारी में आएगा तो हम लोग इसमें जरूर कार्रवाई करेंगे। यात्रा के दौरान जो इस संबंध में भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी निगरानी में है और हम लोग इस पर भी कार्य कर रहे हैं।